Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic polymers and the subtopic is copolymers. तो हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में बात करनी है को पॉलीमर्स की. देखिए अगर हम बात करें पॉलीमर्स की या पॉलीमराइजेशन की तो वो क्या होता है, हम छोटी छोटी जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनसे एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो क्या होता है, पॉलीमर होता है. अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे को पॉलीमर्स की तो हमारा जो सब टॉपिक है वो है को पॉलीमराइजेशन, इट इज़ को पॉलीमराइजेशन. तो देखिए हमें इसमें को मतलब क्या होता है, को मतलब यहाँ पे होता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स. तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, जो हम मोनोमेरिक स्पीशीज ले रहे हैं वो अलग अलग होगी, मतलब हम सेम यूनिट को कंडेंस करके एडिशन करके नहीं बना रहे हैं. यहाँ पे हम टू डिफरेंट यूनिट लेंगे या फिर मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक यूनिट लेंगे. तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं को पॉलीमराइजेशन की. तो हम को पॉलीमराइजेशन में क्या बोलेंगे, को पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास टू डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो दो स्टेप में बन सकती हैं, वो एडिशन रिएक्शन से भी बन सकती है और वो कंडेंसेशन से भी बन सकती है. मतलब इसमें क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा को पॉलीमराइजेशन. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या होगा, इट इज़ अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, इन विच अ मिक्सचर ऑफ, हमें क्या लेना है, मिक्सचर लेना है ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक यूनिट, अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक यूनिट. क्या लेना है, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक यूनिट इज अलाउड टू पॉलीमराइज. क्या करना है, इसको पॉलीमराइज करना है. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा पॉलीमर, और वो कैसा पॉलीमर होगा, टू फॉर्म को पॉलीमर. किस टाइप का पॉलीमर होगा, को पॉलीमर. तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं एक रिएक्शन के थ्रू, हमने यहाँ पे ब्यूनाइज बनाया है जो कि क्या होता है, एक सिंथेटिक रबर. ब्यूनाइज इज एक्चुअली सिंथेटिक रबर. तो अगर हम ब्यूनाइज की यहाँ पे बात करें तो हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, ब्यूटाडाइन. और ब्यूटाडाइन ने किससे कंबाइन किया है, स्टाइरीन से. तो ये क्या है, दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट है. ये जो दो डिफरेंट यूनिट है ये पहले एक क्या बनाती है, रेजिन बनाती है, एक स्पीशीज बनाती है. वो जो इंटरमीडिएट होता है वो फिर उसके बाद क्या बनाता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे क्या है, ब्यूना एस. तो ये क्या है, हमारा एक सिंथेटिक रबर का एग्जांपल, इट इज़ एग्जांपल ऑफ को पॉलीमराइजेशन. तो चलिए अगर हम बात करें कि इसका जो मैकेनिज्म है वो किस टाइप का होगा, तो जो को पॉलीमर है वो फ्री रेडिकल से भी बन सकता है, चेन ग्रोथ से भी बन सकता है या स्टेप ग्रोथ से भी बन सकता है. यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इट कैन बी फॉर्म्ड बोथ बाय चेन पॉलीमराइजेशन या फिर चेन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेन ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे चेन की ग्रोथ होती है. डेफिनेटली चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल, और ये हम दोनों से बना सकते हैं, हम कंडेंसेशन से भी बना सकते हैं और एडिशन से भी बना सकते हैं. स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एक्चुअली कौन सा होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. जनरली हम जब चेन ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, और जब स्टेप ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है. अब देखिए ये जो को पॉलीमर्स हैं ये होमो पॉलीमर से थोड़े से डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम
homopolymers. They are different from homopolymers. अब देखिए होमोपॉलीमर से डिफरेंट क्यों है, इसमें दो यूनिट ली है तो ज़्यादा टॉलरेंस पावर हो जाती है, दो यूनिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ क्वाइट टफ, कैसा होगा, इट इज़ क्वाइट टफ एज कम्पेयर टू होमोपॉलीमर, अगर ज़्यादा टफ है तो उसकी टॉलरेंस पावर ज़्यादा होगी एंड इट इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूट एंड गुड सब्स्टिट्यूट फॉर, जैसे हम नेचुरल रबर यूज़ करते हैं तो हम उसकी जगह यहाँ पे ब्यूनाइज भी यूज़ करते हैं, एज आई टोल्ड यू इट इज़ व्हाट सिंथेटिक रबर। यही नहीं, जो हम रबर, ज़रूरी नहीं है रबर हम इसी में यूज़ करें, ठीक है, तो हम किसी और चीज़ में भी रबर का यूज़ करते हैं, जैसे हमें टायर्स बनाने हैं ऑटोमोबाइल्स के, तो इसमें भी तो रबर का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, ये हमारे पास एक और प्रोडक्ट यहाँ पे है, इसका सिर्फ एक मैकेनिज्म है, हमने क्या लिया है, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड में देखिए ज़्यादा फंक्शनल यूनिट्स हैं, तो ये कंबाइन होके यहाँ पे क्या बनाती हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से एक डिफरेंट सा पॉलीमर बना देती है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल, या क्या बोल सकते हैं हम, चेन ग्रोथ मैकेनिज्म। तो इसके अलावा इसके पास यहाँ पे क्या है, देखिए ये इम्पोर्टेंस तो हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से ये हुआ है, और जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो किस में यूज़ होता है, दे आर ऑल्सो यूज इन ऑटो टायर्स, ऑटो टायर्स में यूज़ कर सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको केबल इंसुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, केबल इंसुलेशन, ठीक है। ये तो थे इसके यूजेस, और ये क्या था कि एडिपिक एसिड का जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एडिपिक एसिड जो है वो आपस में यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू एक रेजिन बनाता है, और ये क्या होता है, आगे जाके किसी से भी कंबाइन हो सकता है पॉलीमर बनाने के लिए। तो एडिपिक एसिड भी काफ़ी सारे को पॉलीमर्स में यूज़ होता है, सो वी कैन राइट एडिपिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज इन वेरियस को पॉलीमर्स, जिसमें से ये एक मोनोमेरिक यूनिट हो जाता है। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।